श्री गुरुदामी महाप्रभु की महती अनुकंपा से श्रील प्रबोधानंद सरस्वती प्राण विरचित राधा रस सुधा निधि के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। राधा सुधा निधि श्लोक से लेकर 14 राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा जसो मुखर मत्त खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनोने राधा विहार विपिने रमता मनोने। श्री गौरांग महाप्रभु के कृपा के बिना यह रस असंभव है। जिस रस का हम लोग अवगाहन करना चाहते हैं, जिस रस को देने के लिए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण और कुशभान नंदनी ब्रजरानी राधा रानी मिल करके गौर तनु धारण करके इस रस का अवधान किए इस जगत में, श्रील गौरांग महाप्रभु के हृदय की वस्तु श्रील प्रबोधानंद सरस्वती पाद इस राधा रस सुधा निधि में प्रस्तुत किए। इस श्लोक में आचार्य चरण ये निश्चित किए हैं कि हम लोगों को वहीं वास करना चाहिए, राधा विहार विपिने रमता मनो। हम लोगों का मन सदैव प्रिया प्रियतम के अंकित पदांकित भूमि ब्रजभूमि है, उसके अतिरिक्त अन्यत्र वास वालों को ये रस असंभव है, प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी के लिए आचार्य चरण कह रहे हैं राधा कराव चित पल्लव वल्लरी के। प्रिया जी, ब्रजभूमि के प्रत्येक लता पता को अपने हाथ से संवारती, इसीलिए यहाँ पर वृक्षों की महिमा गा रहे हैं। राधा करा वचित पल्लव वल्लरी, जैसे कोई सखी एक सखी की श्रृंगार करती है, पत्रावली रचना करती है, वैसे ही निकुंज में प्रियालाल के विहार स्थली के जितने भी वृक्ष लता पता हैं, उन लता पता को प्यारी जी अपने हाथ से अंकित करती संवारती। राधा कराभ्याम संप्रिष्ठा मंजरीय जस्मिन तत्, अर्थात प्रिया जी अपने हाथ से वृंदावन के वृक्ष लता पता के एक एक पत्ते को एक एक लता को अपने हाथ से संवारती, संस्पृष्टा स्पर्श प्राप्त स्पर्श कराती। राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत जितनी भी भूमि है, एक राधा पदांक ही प्रिया जी के पद से अंकित है, चिन्ह है। हम लोग रास पंचाध्याय में देखे हैं कि ब्रज गोपियां जब घूमते घूमते गई तो देखी कि प्रिया जी का चरण कमल उभरा है, प्यारे श्याम सुंदर का। प्रिया जी का जब चरण कमल ब्रजरज पर पड़ता है तो ये ब्रजरज उसको हटने नहीं देता, अंकित कर लेता है, छूटता नहीं है। राधा पदांक शोभमाना मनोहर स्थली जस्मिन तत्, धन्य है वृंदावन धाम जिसके प्रत्येक रजकण में प्रियालाल का पदरज लगा हुआ है। इसीलिए महाराज इस वृंदावन की अद्भुत महिमा,
वृंदावन की रज की अद्भुत महिमा है। यहाँ की एक रानी है, रज रानी है वृंदावन की। जैसे कोई गिरिराज शिला की आराधना करता है, कोई गोपाल जी की आराधना करता है, कोई श्री विग्रह की सेवा पूजा करता है, वैसे कुछ कुछ महात्मा लोग ब्रजरज की आराधना करते हैं, ब्रजरज रह करके उसी की पूजा करते हैं, क्योंकि वृंदावन के प्रत्येक रजकण में प्रियालाल का रज अंकित। वही कहते हैं राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के, प्रियालाल का जो विहार स्थली वृंदावन है, जावट गांव है, बरसाना है, गिरिराज जी हैं, राधा कुंड है, ये प्रिया जी की मनोहर लीला स्थली है, मधुर स्थली के। राधा जसो मुखर मत खगावली के, ये वृंदावन के जितने भी पशु पक्षी हैं, ये भी साधारण नहीं, ये पशु पक्षी भी नित्य निरंतर प्रियालाल के गुणगान गाते रहते हैं, कीर्तन करते रहते हैं। इन लोगों की सौभाग्य की अद्भुत महिमा है। राधा गुणान बाते नैव शब्द माना नाम मत विहगा नाम श्रेणी जस्मिन तस्मे। आचार्य चरण कहते हैं कि यहाँ की पक्षी भी राधा 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 नाम का संकीर्तन करती हैं। यहाँ के मृगा पशु पक्षी ये सब विहार स्थलियों में राधा रानी के गुण गणों का गान करती रहती हैं। इसलिए राधा विहार विपिने रमता मनो में, आचार्य चरण श्रील प्रबोधा नंद सरस्वती पाद कहते हैं कि अब हमारा मन प्रियालाल के इस दिव्य भूमि को छोड़ करके अन्य जाने की इच्छा ही नहीं होती है। राधा विहार विपिने मम मन रमताम, मेरा मन नित्य निरंतर इसी में रमण कर रहा है। जिस स्थान की लता मंजरियों की सेवा साक्षात प्रिया जी अपने हाथ से करती रहती हैं, जिनके पद चिन्हों से अंकित ब्रज भूमि है, वृंदावन भूमि है, जिस स्थान पर जहाँ के पक्षीगण चहचहाते नहीं, यहाँ राधा राधा नाम का संकीर्तन करते रहते हैं। ये मुनि है, गोपी की जुगल गीत में गोपियां कहती है कि अरे सखी ये पक्षी नहीं है, मननशील मुनि है, ये आंख मूंद करके प्रिया जी की लीलाओं का चिंतन करते हैं, उनके रूप माधुरी का अवगाहन करते हैं, और कभी कभी ये पक्षी बोलते हैं तो राधा रानी के गुणों का ही वर्णन करते हैं। राधा जसो मुखरमत खगावली के, ये पक्षी ऐसी है, बस उसी राधा के उसी विहार विपिन में मेरा मन रमण करे, हमारा मन अन्यत्र न जाए। अर्थात शरीर की तो बात ही दूर है, मन से भी वृंदावन को छोड़कर मैं अन्यत्र नहीं जाऊं। ये स्फूर्ति में आई है प्रबोधानंद सरस्वती पाद की। ये राधा रानी का चरण कितना दुर्लभ है, देखिए सबसे दुर्लभ है देवता, देवता भी साधारण नहीं है, देवताओं से भी दुर्लभ है ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भी दुर्लभ है भगवान शंकर, उनसे भी दुर्लभ है भगवान के स्वरूप, भगवान मीन वराह नृसिंह वामन इत्यादि, उनसे भी ध्रुव है भगवान विष्णु, उनसे भी श्रेष्ठ है नंद नंदन श्री कृष्ण, उससे भी जो श्रेष्ठ कौन है तो वृंदावन, अरे द्वारिका मथुरा वाले श्री कृष्ण, उनसे भी निगूढ़ है वृंदावन के श्री कृष्ण, ब्रज विलासी श्री कृष्ण, और ब्रज विलासी श्री कृष्ण से भी दुर्लभ है राधा पदांक प्रिया जी, जो ब्रह्म रुद्र सुकनारद विष्णु मुख्य रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्ति तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। आचार्य चरण पहले ही कह दिए हैं कि ये कितना दुर्लभ वस्तु है, जिस वस्तु को हम लोग साधारण में प्राप्त कर लिए हैं। प्रिया जी का चरण रज हमें प्राप्त है, वृंदावन का रज प्राप्त हो गया, माने प्रिया जी का चरण रज प्राप्त हो गया, ये इतना दुर्लभ है। श्रीपाद बलदेव विद्याभूषण उत्कलिका बल्लरी स्त्रोत में व्याख्या में लिखे हैं कि विरही भक्त, देखिए भगवान का कौन सा रूप सबसे सुंदर है, ललिता जी सखियां किशोरी जी से पूछती हैं कि हे प्रिया जी आपको मिलन अच्छा लगता है कि विरह अच्छा लगता है,
एक बार ललिता सखी पूछी प्रिया जी से कि आपको कौन सा अच्छा लगता है, आप श्याम सुंदर से हमेशा मिलन में आपको सुख मिलता है कि विरह? प्रिया जी कहती हैं कि यारी सखी मैं क्या कहूँ, हमको विरह अधिक मीठा लगता है, क्योंकि मिलन में तो एक कृष्ण ही दिखता है, और जब विरह होता है तो आकाश पताल आगे बावे दाएं सर्वत्र केवल प्रिया जी दिखाई, प्यारे श्याम सुंदर ही दिखा देते हैं। विद्यापति जी तो कहते हैं कि सखी है विरहो हुनक मधुर, प्यारे श्याम सुंदर का विरह कितना मीठा है, कितना अद्भुत है। जो भक्त लोग अभिष्ट की प्राप्ति के लिए रात दिन तड़पते रहते हैं हमको प्रिया जी मिल जाए, अर्थात महाराज साधन में जो सुख है वो साध्य में भी सुख नहीं, साधना अवस्था में जो तड़पन होता है, मिलन की उत्कंठा बढ़ती रहती है, आंख से आंसू गिरते रहते हैं, मुंह से ठाकुर जी का नाम निकलता रहता है, उस समय साधक की स्थिति जो रहती है वो मिलन में भी नहीं रहती है। इसीलिए राधा चरण बड़े दुर्लभ है, कहाँ जाने किस उपाय से उन्हें कैसे प्राप्त किया जाए ये समझ में नहीं आ रहा है, इसको कोई समझ भी नहीं सकता है। वृंदावन के रस को यदि कोई प्राप्त करना चाहे तो असंभव रस है। श्रीपाद इशारे भरे आशा से किरण उनके हृदय में आशा उठती है कि मैं कहाँ पाऊं, तब कहते हैं बस अब हमको वृंदावन जो राधा रानी का चरण अतिशय दुर्लभ है, शिव ब्रह्मादि के लिए भी दुर्गम वस्तु है, वो वस्तु हमको प्राप्त हो गया, प्राप्त हो गया, अर्थात वृंदावन की करुणा की बात याद आ गई कि वृंदावन की कितनी अद्भुत करुणा है कि हमको वो मिल गया। क्या मिल गया? तो वृंदावन ये राधा रानी की बिहार भूमि, वृंदावन के बिना कृपा किए कोई उस रस में प्रवेश नहीं कर सकता है। देखिए हम लोग को ये वृंदावन जो प्राप्त हो गया अर्थात कृपा किशोरी जी की कृपा प्राप्त हो गई, किशोरी जी ने हमको अपना कृपा दे दी, वृंदावन वास दे दिया, मैंने अपने निकुंज में आने का रास्ता सुगम हो गया। यह बार बार कृपा बरसती रहती है, गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोर इस वृंदावन में नित्य विहार करते रहते हैं, तो हम लोगों को देखते दिखते क्यों नहीं, कहेंगे कि हम तो वृंदावन में आ गए दिख क्यों नहीं रहे, इसलिए नहीं दिख रहे हैं कि हम लोग देखना नहीं चाहते। प्रियलाल मिल गए, कहते हैं गौर श्याम सुनागर दिव्य किशोर द्वय सदा जत्र विहरति, जो गौर श्याम है श्यामा श्याम इस वृंदावन के बीतियों में प्रतिदिन गलबहिया दे करके घूमते रहते, हमेशा उनकी बिहार स्थली चलती रहती है, तो दिखता क्यों नहीं, तो हमारी इच्छा नहीं, क्योंकि वो तभी दिखते हैं जब हमारी समस्त इच्छाओं की नाश हो जाती, वो दिखने के पहले भगवान वस्तु भेज देंगे, यदि उस वस्तु में थोड़ा सा भी राग हो गया तो भगवान कहे ठीक है मैं बाद में तुझको दूंगा। यही है जिस स्थान पर गौर श्याम सुनागर सुदिव्य लीला किशोरद्वय मधुर नौ नौ केली प्रकट कर सर्वदा विहार कर रहे हैं इस वृंदावन में, नित्य निरंतर प्रियालाल की विहार इस वृंदावन में चल रहा है, बस अब हमको वृंदावन का भजन करना है, बस भज वृंदावन, ये वृंदावन का ही भजन करना है। वृंदावन का भजन करने से क्या होगा, तो वृंदावन का जो निधि है दिव्य लीला जो किशोर द्वय है प्रियालाल जो विहार करते हैं वो वृंदावन की कृपा से स्वाभाविक प्राप्त हो जाएगी, यदि हमको वृंदावन में निष्ठा हो जाए, ये महाराज निष्ठा भी उन्हीं की कृपा से संभव है, अपने बल से कुछ होता नहीं। आप ही लोग बताइए क्या हम लोग अपने बल पर वृंदावन वास किए हैं? हम लोग अपने घिनौने कर्म देखे तो हम लोग वृंदावन में रहने लायक हैं? हमारे कुकर्म देखा जाए, अपने छाती पर हाथ रखकर देखिए कि हम कैसे पापी हैं, हमको ये वृंदावन मिल गया ये किसका है, किशोरी जी की कृपा है, ये हमारे साधन का बल नहीं ना हमारे पूर्व संस्कार का बल है, प्रिया जी कृपा करके करोड़ों अरबों जीवों में से हम लोगों को चुनकर खींच करके वृंदावन वास दे, ये उन्हीं की कृपा है, बस इस कृपा का बार बार यदि कोई अवगाहन करे वृंदावन की
ये जो ठाकुर जी की कृपा अकारण हो गई है उसको तत्ते नुकंपा सुसमिक्षमाणा भुंजाले एवात्म कृतम विपाकम। बस ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु, यदि कोई जीव बार बार आपकी कृपा का अवलोकन करता रहे कि हमको किशोरी जी की कितनी भारी कृपा हो गई कि हमारे जैसे नीच पतित जो नरक में रहने लायक नहीं वैसे पापिष्ट को प्रिया जी अपने हाथ से खींच करके वृंदावन भूमि दे दी, इस कृपा का यदि कोई अवलोकन करे, इसका केवल चिंतन करे, तो वो प्रिया जी का जो लीला है वृंदावन अपने आप दे दे। कालिदास ने रघुवंश महाकाव्य में कहे कि को सूर्य प्रभु वंश को चाल तो विषया मती, कहां ये भगवान राघवेंद्र सरकार की अलौकिक लीला और कहां विषया मती, कहां मूढ़ मती, और हमको ये कृपा प्राप्त हो गया कि रघुवंश महाकाव्य लिखो। अपनी अयोग्यता का सदा ध्यान रखना, हम इस योग्य नहीं, अयोग्य को भी योग्य बनाने वाली कृपा जी की करुणामयी दृष्टि है जो हमारे जैसे नीच पतित को भी कृपा करके वृंदावन वास दे दी है, तो निश्चित प्रिया जी भी मिलेंगे। ऐसी कृपा का जो बार बार अनुभव करता रहता है, जथा हरि रसे मन स्वयं मन अनुपस्थित धावती, अब बस हमारा मन वृंदावन के प्रभाव से रात दिन निरंतर उस लीला का स्मरण करता रहेगा। लेकिन मुझ जैसे जीव की दुर्दशा तो देखो, प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि किशोरी जी की कितनी भारी कृपा है और हम मुझ जैसे जीव को तो देखो, जो दुर्गति में फंसा हुआ जीव दिव्य वृंदावन भूमि प्राप्त करके भी विषय की आशा रखता है, राधा विहार विपिन में रहकर भी कोई अनुभव नहीं। महाराज ये वृंदावन है कि जिसके स्पर्श करने मात्र से ही प्रियालाल का नित्य लीला स्मरण हो रहा है, अब फिर भी नहीं हो रहा है तो ये हम लोगों का दोष है, वृंदावन का दोष नहीं। विद्यापति जी कहते हैं कि हमारा अभाग गुणक नहीं दोष, इसमें हमारा अभाग आपन है, उनका कोई दोष नहीं। वृंदावन के अस्थावर जंगम जितने भी वस्तु हैं सब चिन्मय हैं, दिव्य है। यह भाव लेकर वृंदावन वास करने में ब्रजवास का फल प्राप्त होता है। वृंदावन के लता पता पशु पक्षी कीट पतंग कोई भी जीव है मनुष्य है, उस सब में यदि भगवत भाव नहीं आएगा तो वृंदावन का जो रस है उस रस से हम लोग वंचित रह जाए, वो रस प्राप्त नहीं होगा। यही तात्पर्य है, लेकिन जड़ के प्रति जड़ बुद्धि से हम लोगों को बार बार वृंदावन के प्रति अपराध बनता जा रहा है, इसीलिए वृंदावन हम फूलों पर वृंदावन में रहने के बावजूद भी ये कृपा नहीं हो रही। ये वृंदावन की महिमा समझना। एक बार काशी में बनारस में एक गो हत्या रहा गया, गाय को मारने वाला, उसे गो का हत्या पाप लग गया था, तो यदि गाय बध हो जाता है तो चिल्लाना पड़ता है कि मैं गाय का अपराधी हूँ, मुझे कुछ भिक्षा दे दो, मैं पापी हूँ, तो कुछ लोग देते हैं और उससे उस प्रायश्चित किया जाता है। तो एक व्यक्ति आकर के बनारस में चिल्ला रहा है कि मैं राम राम मैं गो हत्यारा हूँ, इतना सुनते ही तुलसीदास जी के कान में जब पड़ा तो गो हत्यारा को बुलाए और बुला करके अपने पास बैठाए और एक साथ को साथ और कहे आज से तुझको गाय का हत्या का पाप नष्ट हो। काशी में तो बड़े बड़े विद्वान सब विद्वान आकर के तुलसीदास जी से लड़ गए, अरे अरे गाय का हत्या किया इसको प्रायश्चित करना पड़ेगा, अब बिना प्रायश्चित के आप क्यों बैठा दू। तो तुलसीदास जी कहे कि ये राम राम कह दिया अभी भी प्रायश्चित पाप रह ही गया, तो कहे कि हम लोग कैसे माने, तुम लोग तो विद्वान हो, तुम अपने वेद शास्त्र पुराणों में देखो कि राम नाम की क्या महिमा है। तो विद्वान लोग कहे कि हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा, तो कैसे विश्वास होगा जब यह अपने हाथ में भोजन लेकर के नंदी भगवान को जाएगा और उनको खिलाएगा, वो यदि खा लेंगे तो हम लोग विश्वास कर लेंगे। तुलसीदास जी की महाराज बात सुन करके वह
तुलसीदास जी उसके हाथ में प्रसाद दी और प्रसाद दे करके कहे उसको कि नंदी भगवान के पास गए कि हे नंदीश्वर, हम लोग जानते हैं कि हम लोग नाम की महिमा नहीं जानते। हम जितना नाम की महिमा जानते हैं उससे हजार गुना नाम की महिमा आप जानते हैं। तो आप यदि नाम की महिमा जानते हैं तो इस पापिष्ट गो हत्यारे के हाथ से आप प्रसाद पा करके सबको शिक्षा दे दी, क्योंकि नाम की महिमा कितना है ये कोई शास्त्र में लिख नहीं सकता। नाम की महिमा कोई सोचे कि मैं लिख लूं तो लिख नहीं सकता है। व्यास जी नहीं लिख सकते, सुखदेव नहीं लिख सकते, अरे कहां तक ब्रह्मा नहीं लिख सकते, शंकर नहीं लिख सकते, कहां तक कहे साक्षात भगवान भी सोचे कि मैं अपने नाम की महिमा लिख सकूं तो नहीं लिख सकते। तो तुलसीदास जी नंदीश्वर से कहे कि आप भगवान नाम की महिमा जानते हैं, आप अपने नाम की महिमा समझ करके इस पापिष्ट के हाथ से भोजन कर लीजिए। महाराज सब लोगों के देखते देखते ही नंदीश्वर नंदी उस पापी के हाथ से थाली लिए और लेकर के खा गए। तब सब लोगों को विश्वास हो गया। उसी तरह हम लोग जो नाम रट रहे हैं, हरे कृष्ण कहते हैं, इस नाम की महिमा पता है? इस नाम की कितनी महिमा है वो किसी को, भगवान को भी पता नहीं। भागवत में तो लिखा गया है कि नाम रटने वालों को कदाचित कोई पाप बन गया तो दूसरे प्रायश्चित से उस पाप को नष्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही अद्भुत प्रभावशाली है। इसके आभास मात्र से ही पद्म पुराण में तो यहाँ तक लिखा गया है कि पापी उतना पाप कर ही नहीं सकता जितना एक कृष्ण नाम काट सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि नाम के बल पर पाप करे, कि जब इतनी बड़ी औषधि प्राप्त हो गया तो मैं पाप करे फिर नाम रखे तब तो नाम अपराध जाए। उसी तरह हम लोग जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, ये वृंदावन की कितनी महिमा है कोई नहीं बता सकता। महाराज यहाँ पर एक क्षण वास करने से ही लोग नारायण के समान हो जाते हैं। वृंदावन महिमा मृत में लिखा गया है कि जब देखते हैं देवता लोग वृंदावन के मनुष्यों को तो लिखता है सब चतुर्भुज दिख रहे हैं, नंद नंदन श्री कृष्ण अनंत रूपों में यहाँ लीला कर रहे हैं। तो यही है वृंदावन के स्थावर जंगम सभी चिन्मय है। यहाँ के पशु पक्षी कीट पतंग पेड़ लता पौधा रिक्शा वाला दुकानदार ये सब अलौकिक चिन्मय, ये साधारण नहीं हो सकते। यह भाव लेकर वृंदावन वास करने से वृंदावन का फल प्राप्त होता है। यदि कोई सोचेगा कि ये पापी है, ये वृंदावन में कैसे आ गया, तो अपराध। अरे भाई इसका ठेकेदार किशोरी जी हैं, किशोरी जी की कृपा के बिना तो यहाँ कोई रह नहीं सकता है। और हम लोग अरे पापी है बस गए काम से। वृंदावन में यदि रहना है तो अपने आंख को और कान को बंद करके रहो, अर्थात किसी का यदि दोष दिख रहा है तो समझ जाओगे गड़बड़ी। ये लीला भूमि है। काय मनोवाक्य से यदि ब्रजवासी स्थावर जंगम के प्रति भी जड़ बुद्धि हो गई तो बड़ा भयंकर अपराध बन जाता है। ये प्रबोधानंद सरस्वती पाद वृंदावन महिमामृत में लिखते हैं, यह ब्रजरस की अनुभूति बिना यह साधक बाधक बन करके रहने अपराध बनता जाता है। धाम अपराध है ना, धाम के प्रति अपराध बन जाना, भक्तों के प्रति अपराध बन जाना। इस तरह वृंदावन भूमि में कोई भी जीव यदि प्रियालाल का दिव्य अनुभूति करना चाहता है तो उसको किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी स्थान में मन से, शरीर से, वाणी से कभी दोषारोपण न कर। यही अपराध के कारण हम लोग इस बिहार भूमि में रहने के बावजूद भी लीला से वंचित रह जाते हैं। यही तो है, हम कहाँ बैठे हैं वृंदावन, वृंदावन में कहाँ बैठे हैं, वो प्रियालाल की बिहार स्थली है, फिर भी हमको किसकी चिंतन हो रहा है तो संसार की चिंता। इसका कारण क्या है, तो इसका कारण केवल अपराध। जिस अपराध के कारण हम लोग इस दिव्य भूमि में बैठने के बावजूद भी उस रस से वंचित हो जाते हैं। अपराध क्या है, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं भैया भजन करना है तो एकांत में रहो। एकांत में रहने से एक तो फायदा होगा, अपराध से तो बच जाएंगे।
भक्त, किसी भक्त में द्वेष बुद्धि हो गया, किसी व्यक्ति में हो गया, तो हम लोगों को लीला देखने में बड़ा भारी बाधा होता है। ये वृंदावन भूमि है, यहाँ पर प्रियालाल गलबहिया देकर के वृंदावन के निकुंज में भ्रमण करते हैं। भ्रमण करते करते सघन कुंजों में प्रवेश करते हैं। सघन कुंजों में जब प्रवेश करते हैं तो यहाँ के लता पता रास्ता दे देते हैं। लता पता भी सोचते हैं कि कहीं प्रिया जी के श्री अंग का स्पर्श पाने से हम लोगों के द्वारा यदि कहीं कष्ट न हो जाए, इसलिए महाराज जी धीरे 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 अपना रास्ता देते हैं। जुगल सखियों के साथ प्रियालाल की ये बिहार भूमि, दिव्य भूमि, ये सखियां मधुर रसो दीपक जुगल विलास माधुरी की गान कर रही हैं। कभी कभी प्रिया प्रियतम प्रिया जी को सजाते हैं, कभी प्रिया जी प्रिया प्यारे जी को सजाती हैं। इस प्रकार यह नित्य अलौकिक लीला वृंदावन में चलता रहता है, यही है। इस श्लोक में चार भाव है। वृंदावन का वृक्षों की सेवा प्रिया जी करती हैं, लता पता अपने हाथ से अंकित करती हैं प्रिया जी। राधा करा वचित पल्लव वल्लभी, इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप हम पर कृपा करें तो हमको वृंदावन में पेड़ पौधा बना दें। क्योंकि ये निरावरण बिना आवरण के प्रियालाल के बिहार को देखते रहते हैं, ये कोई पर्दा नहीं। निधिवन में, सेवा कुंज में, वृंदावन में जो लीला स्थलियां हैं, इसका निरावरण दर्शन कौन करता है? तो सखियां भी नहीं करती, सखियां कुंज रंध से उस लीला का अवलोकन करती हैं। लेकिन ये पेड़ हैं, पौधे हैं, लता पता है, ये महाराज लता पता कैसे देखते हैं? तो निरावरण, कोई पर्दा नहीं। प्रिया जी प्रसन्न होकर के इन लता पताओं को अपने हाथ से पकड़ करके चित्रांकित करते रहते, जल सींचती हैं। कभी कभी प्यारे श्याम सुंदर जैसे सखियों को आलिंगन करते हैं, वैसे लता पता वृक्ष को आलिंगन करते हैं। ये कितने बड़गामी हैं। इसीलिए उद्धव जी कहे कि बस बस, अब हमको कुछ मत देना प्रभु। यदि सचमुच आपको देने की इच्छा है तो हमको वृंदावन का गिराज चलना ठीक है, कोई लता पता बना। लता पता बनाने से क्या होगा? तो एक तो बात होगा कि मैं वृंदावन छोड़कर कहीं बाहर नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ी कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य लोग क्या करेंगे कि वृंदावन में बास करके उनकी इच्छा होगी कभी चले जाओ मथुरा, चले जाओ आगरा, चले जाओ, अरे अभी कुंभ मेला है वहां चले जाओ, ऐसी मन में इच्छा होती है। लेकिन पेड़ बन जाने पर तो इच्छा नष्ट हो जाएगी। एक महात्मा कहते हैं कि हमारा मेरे पैर को गाड़ दो जमीन के अंदर, बस हमारी इच्छा। मनुष्य बन जाने पर तो इधर उधर जाने की इच्छा होगी, हमको पेड़ बना दो। वृंदावन किमपि गुण लताउ सती, लता बना दो, औषधि बना दो, पेड़ पौधा बना दो, वृंदावन में वास करने की। ये प्रिया जी की सबसे कृपा पात्री कौन है? वृंदावन की लता पता, पेड़ पौधा अपने हाथ से सजाती हैं, संवारती हैं। श्याम सुंदर का हाथ पड़ता है, श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद में श्याम सुंदर बलराम जी से कहते हैं कि अरे इन वृक्षों ने कौन सी ऐसा तपस्या किया, देखो तो सही। उनके लताओं के नीचे ठाकुर जी बैठते हैं, उसके पत्ते पर खाते हैं, उसके पत्ते को पंखा बनाते हैं। ये जोगी हैं, ऋषि मुनि हैं, ये भक्त ही तपस्या करके कृपा तपस्या करके भगवान से याचना करते हैं कि हमको यदि कुछ देना है तो पेड़ बनाता। ये अंग संगनी सखी ही प्रियालाल को आनंद देने के लिए वृक्ष बन जाती हैं, लता पता बन जाती हैं। सुख देवराहवा बाबा जमुना पार रहते थे, तो एक बार
राजीव गांधी, राजीव गांधी का आने का प्रोग्राम हो गया कि हम देवरा बाबा से दर्शन करने के लिए जाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर जब आ रहा है तो उसके व्यवस्था के लिए एक पेड़ को काटना पड़ा। तो देवरा बाबा को जब पता चला कि ये लोग पेड़ को काटेंगे तो भाई सरकार का आदेश है, काटना ही पड़ेगा। देवरा बाबा का बात कौन मानेगा। वो कहे कि देखो तुम लोग तो आए हो एक दिन के बाद चले जाओ, ये हमारा बहुत पुराना साथी, वो जानते थे वृक्ष कौन है, इसको काटो मत। तब तक अचानक उसका प्रोग्राम बदल गया, नहीं आए। तो ये वृंदावन का जो वृक्ष है ये हम लोग को पता नहीं है। पंडित रामकृष्ण बाबा को एक बार कान में दर्द हो गया तो कोई बताया कि इनको एक औषधि है उसको लगा दो। कहे कि वृंदावन के पत्तों को काट करके उसका औषधि मत बनाना, बनाना है तो कहीं बाहर से पता लगा। तो जो सिद्ध महापुरुष लोग हैं उन लोगों को पता है वृंदावन की महिमा, ये कौन वृक्ष है, कौन महात्मा है। जब राधा कुंड का संस्कार हो रहा था तो श्याम कुंड का जब संस्कार होने लगा तो कुछ पेड़ काटना पड़ा, काटने की वजह से तो पांचों पांडव प्रकट हो गए। कहे कि मैं यहाँ पर प्रिया जी की सुख के लिए, प्रिया जी का वास के लिए, राधा कुंड पर वास करने के लिए हम लोग पंच पांडव वृक्ष रूप में रहते हैं। देखिए ये पंच पांडव ठाकुर जी के साथी हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, साधारण नहीं है। लेकिन ये लोग भी आकर के पेड़ बने, अभी भी पंच पांडव है ना, पंच पांडव पेड़ बन कर गिर रहे। तो यहाँ वृक्ष लता की इतनी भारी महिमा है, वृंदावन की वृक्षों की, वृंदावन की लता की, पेड़ पौधों की, ये कितनी अद्भुत महिमा है। प्रबोधानंद सरस्वती पाद जानते ये जो सिद्ध हम लोग हैं क्या, जब वृंदावन के जो जब भी आवश्यकता पड़ा तोड़ो मुंह धो लो ब्रज कर लो ये क्या। लेकिन जो महापुरुष लोग हैं ये वृंदावन की लता पता की महिमा जानते हैं कि कौन महात्मा है, कितना दिन तपस्या करके वृंदावन में पेड़ बनने बन रहे हैं, ये उनकी कृपा है। हम लोग को तो पता नहीं। यहाँ पर प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं राधा कराव चित पल्लव बल्लरी के, राधा कराभ्याम संस्पृष्टा मंजरिया जस्मिन। ये मत सोचिए कि द्वापर में ही लीला चल रही, आज भी ये वृंदावन में नित्य लीला चलती है। ये जो वृक्ष लता पता है इन लोगों के पास प्रियालाल आकर के उनको आलिंगन करते हैं, अपने हाथ से सवारते हैं, जल देते हैं, प्रियालाल की नित्य लीलाओं का आपकी निरावरण दर्शन करते रहते हैं, ये कौन जानते हैं, महात्मा लोग जानते। हम लोगों को इस रस को पता नहीं। और जहां हम बैठे हैं अब मत